हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लालचंद्र यादव। वेलकम टू ऑल इन योर क्लास। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर रीडिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वी हैव रीड व्हाई महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। टुडे वी विल रीड हाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड स्प्रेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड व्हाट वेयर द ओपिनियन अबाउट द स्वराज एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ द पीपल्स। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो गांधी जी हैड रिटन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज इन 1909 एंड इन हिज बुक ही हैड डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इन इंडिया ड्यू टू आवर कोऑपरेशंस एंड इफ वी विल रिफ्यूज टू कोऑपरेट देम द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया विल बी कोलैप्स्ड विद इन अ ईयर। डियर स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ द स्वराज वॉज नॉट क्लियर फॉर द कॉमन पीपल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल्स बिलोंग टू द रूरल एरियाज, दे वेयर इलिटरेट्स, दे कुड नॉट रीड द बुक ऑफ द महात्मा गांधी ऑफ हिंद स्वराज विच वॉज रिटन टू अलर्ट द पीपल्स टू द अवेयरनेस फॉर द स्वराज। सो दे हैव टेकन दियर ओन मीनिंग्स अबाउट द स्वराज, मीन्स दे हैड अंडरस्टूड दैट स्वराज मीन्स टू गेट रिड ऑफ ऑल दियर प्रॉब्लम्स। उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि स्वराज का जो मतलब है वह उनकी सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए है। सो द डिफरेंट पीपल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद डिफरेंट एस्पिरेशंस। अलग अलग लोगों ने अलग अलग उम्मीदों के साथ, अलग अलग इच्छाओं के साथ इस मूवमेंट में भाग लिया। एंड व्हेन दे सॉ, और जब उन्होंने देखा कि दियर एस्पिरेशंस इज नॉट फुलफिल्ड, देन दे हैड इग्नोर्ड देमसेल्फ फ्रॉम दिस मोमेंट, मीन्स देन दे हैड नॉट शो दियर ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस मोमेंट। जब उन्होंने देख लिया कि उनका हित जो है वो इस मोमेंट में, इस आंदोलन में सार्थक नहीं हो रहा है, साधा नहीं जा रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इस आंदोलन से अपने आप को पीछे खींच लिया, इग्नोर कर लिया, या उसमें जो भागीदारी थी उसे में उसने अपनी भागीदारी को कम कर लिया। सो इन दिस वीडियो वी विल रीड हाउ द मोमेंट हैड स्प्रेड इन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। सो फर्स्टली वी विल सी हाउ द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट हैड स्प्रेड इन द टाउन्स और इन द सिटीज। Movements in the towns. Dear students, the non-cooperation movements had started into the towns with the participation of the middle class. The people had boycotted the government schools, foreign goods, especially the clothes. They have picketed the liquor shops, and the council elections had been boycotted into the all regions except Madras. So we can write the non-cooperation movement had started in towns with the participation of the
मिडिल क्लास. मिडिल क्लास मीन्स द पीपल हु वेयर नॉट वेरी रिच और हु वेयर नॉट वेरी पुअर. एक्चुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वे आर गिविंग द सम बेनिफिट्स टू द रिच इंडियंस एंड द पुअर पीपल्स वे आर नॉट एबल टू रेज दियर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो मिडिल क्लास हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स एंड दे हैड पार्टिसिपेटेड इन टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स विथ ग्रेट इंथ्यूजम. बड़े उत्साह के साथ उन्होंने इस मूवमेंट में भाग लिया. और कैसे स्टार्ट किया? दे बायकॉटेड द गवर्नमेंट स्कूल्स कोर्ट्स फॉरेन गुड्स एंड काउंसिल इलेक्शंस. एज यू अर्लियर रीड द गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड स्प्रेड इन टू द स्टेजेज. उसे चरणबद्ध तरीके से फैलना चाहिए. दे हैड अपील्ड फर्स्टली दे विल बी रिटर्न टू द टाइटल्स विच इज अवॉर्डेड बाई द ब्रिटिशर्स एंड देन ही रिक्वेस्टेड द पीपल्स टू बायकॉट द गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज आर्मी स्कूल्स कोर्ट्स एंड दे हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड फ्रॉम द इंडियन पीपल्स टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस. सो वी कैन बी सी हाउ इन टू द टाउन्स द पीपल्स वे आर सपोर्टिंग टू द महात्मा गांधी बाई बायकॉट द गवर्नमेंट स्कूल्स कोर्ट्स फॉरेन गुड्स एंड काउंसिल इलेक्शंस. स्कूल्स मीन्स थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड टीचर्स हैड रिजाइन फ्रॉम दियर पोस्ट. द लॉयर हैड लेफ्ट दियर लीगल प्रैक्टिसेस. फॉरेन गुड्स स्पेशली द इंडियन पीपल्स हैड क्लोज टू वियर द फॉरेन क्लॉथेज विच वेयर मैन्युफैक्चरिंग इन टू द मिल्स एंड द इंडस्ट्रीज ऑफ द यूरोप. काउंसिल इलेक्शंस का भी बहिष्कार किया गया एक्सेप्ट. काउंसिल इलेक्शन को एक जगह पे नहीं बहिष्कार किया गया था, एक जगह नहीं छोड़ा गया था. वो इलाका कौन था? वो था मद्रास. एक्सेप्ट मद्रास. मद्रास वाई इन मद्रास द काउंसिल इलेक्शंस वेयर नॉट अपोज्ड बाय द इंडियन पीपल्स. इन मद्रास देयर वॉज अ जस्टिस पार्टी. जस्टिस पार्टी, पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. ये किसकी पार्टी थी? नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी. अभी हम आपको बता रहे हैं इसको. एक्चुअली इन मद्रास देयर वेयर द कास्ट फैक्टर्स. वहाँ पे कास्ट फैक्टर्स था. द ब्राह्मण्स हु बिलोंग टू द अपर कास्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण जो है हमारे यहाँ अपर कास्ट में बिलोंग करती है, उनको उच्च जात का माना जाता है. दे वेयर एक्सप्लॉइटिंग टू द लोअर कास्ट. वो लोअर कास्ट को क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइटिंग कर रहे थे. एंड दे वेयर सेइंग दैट देयर वेयर द सेवरल राइट्स विच ओनली हैव द ब्राह्मण्स नॉट टू द लोअर कास्ट. लोअर कास्ट को नहीं था. सो द लोअर कास्ट या वी में से द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स वे आर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसिल इलेक्शंस बिकॉज दे रियलाइज इफ दे विल बी इलेक्टेड इन टू द काउंसिल इलेक्शंस देन दे कैन बी अपोज टू द पॉलिसी ऑफ द ब्राह्मण्स दैट दे हैव नॉट अ सेवरल राइट्स विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ. जो कहते थे कि जन्म के आधार पर, यानी जो ब्राह्मण है वो उच्च जाति का है, इसलिए उसको पूजा करने का अधिकार है या कोई विशेष राइट उसे है, दूसरों को नहीं है. तो
तो जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी वो इसलिए भाग ली कि अगर वो इलेक्ट कर लिए जाएंगे, चुन लिए जाएंगे, तो इस पॉलिसी को, उनके इस नियम को अपोज कर पाएंगे, चेंज कर देंगे। सो दे हैड पार्टिसिपेटेड इन टू द काउंसिल इलेक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव रीड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स एंड द सिटीज द मिडिल क्लास हैव पार्टिसिपेटेड मोर देन द अदर क्लासेस। दे हैड पार्टिसिपेटेड इन द मोमेंट विद द बाइकॉट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स कोर्ट फॉरन गुड्स एंड द काउंसिल इलेक्शन। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बाइकॉटेड इन टू द एवरी रीजन ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट मद्रास। इन मद्रास देयर वॉज अ जस्टिस पार्टी विच वॉज द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स। दे हैड टेकन द पार्ट इन टू द काउंसिल इलेक्शंस बिकॉज दे वेयर एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्राह्मण्स एंड ब्राह्मण्स वेयर सेइंग दैट देयर वेयर द सेवरल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ विच दे हैड नॉट, मीन्स दे आर नॉट इक्वल लाइक देम। सो दे वेयर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, वो इलेक्शन लड़ रहे थे बिकॉज दे रिलाइड इफ दे विल बी इलेक्टेड देन दे कैन बी गेट द राइट्स लाइक द ब्राह्मण्स और दे कैन बी अपोज टू द ब्राह्मण्स मोर इफेक्टिवली। वो जो ब्राह्मण को है उनका ज़्यादा इफेक्टिवली प्रभावशाली तरीके से उनका विरोध कर पाएंगे। तो ये तो था मोमेंट कैसे स्प्रेड हुआ। अब हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट क्या हुए, यानी जो ये मोमेंट फैला इसके क्या परिणाम आए, क्या ब्रिटिशर्स को इससे कुछ नुकसान हुआ या ब्रिटिश को कोई नुकसान नहीं हुआ। सो वी विल बी सी रिजल्ट्स क्या हुआ। रिजल्ट्स में द ब्रिटिशर्स हैड टू बियर अलॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉस्ट। ब्रिटिशर्स हैड टू बियर ह्यूज इकोनॉमिक लॉस्ट। जो ब्रिटिश थे उन्हें बहुत ही इकोनॉमिक क्षति हुई। क्यों इकोनॉमिक क्षति हुई? क्योंकि द इंडियन पीपल्स हैड टू स्टार्ट टू वेयर द फॉरेन क्लॉदेज। जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने विदेशी कपड़ों को पहनना बंद कर दिया। द मर्चेंट्स द बिजनेसमैन हैड टू स्टार्ट द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉदेज फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिश से फॉरेन क्लॉथ का इम्पोर्ट था उसे इंडियन मर्चेंट्स ने, इंडियन बिजनेसमैन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसका रीज़न आप देखेंगे तो क्या हुआ कि फॉरेन फॉरेन क्लॉथ्स हैड बीन बर्न्ड, इनको जलाया गया, जिसको कहते हैं विदेशी कपड़ों की होली जलाना, बहिष्कार किया गया था। आपने सुना होगा जब विदेशी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई, यानी विदेशी कपड़ों को जलाया गया, लोगों ने उसे पहनना क्या कर दिया, बंद कर दिया। दूसरा क्या था उनका, जो तो इकोनॉमिक का सोर्स जो था उनका, जो इकोनॉमिक सोर्सेस थे जो उनकी कमाई के जरिए थे, वो क्या थे, मिलों में बने हुए कपड़े थे जिनको इंडियन बहुत मात्रा में पहनते थे। दूसरा क्या हुआ, लिक्वर शॉप्स जो थी, लिक्वर शॉप्स वेयर पिक्टेड, पिक्टेड मीन्स होता है क्लोज द एंट्री ऑफ द शॉप, क्लोज द एंट्री ऑफ द शॉप। जैसे कि दुकान कहीं है तो वहाँ पे जाने के जो रास्ते से वो क्या कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए, बंद कर दिए गए, यानी उस दुकान तक कोई पहुँच नहीं सकता था। तो आप जानते हैं कि जो ये लिक्विड शॉप से मतलब कि एक प्रकार से जो नशीले पदार्थ हैं, जो शराब वगैरह है, उनसे कितनी कमाई होती है गवर्नमेंट की। आपने लॉकडाउन में देखा कि जब इसी लॉकडाउन में भी आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए जब उसने लिक्विड शॉप्स को ओपन किया तो कैसे उसको कितने ज़्यादा की प्रॉफिट एक ही दिन में हो गई।
तो जब ये बंद कर दिए गए तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि शराब का उनका एक मेन व्यवसाय था, एक व्यापार था। तो इससे इम्पोर्ट जो था वो कितना घट गया, इम्पोर्ट जो है वो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स हैड रिड्यूस्ड फ्रॉम 1921 to 1922 जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लॉथेज का वो घट गया, हाफ हो गया। कब? बिटवीन 1921 टू 1922 हाफ हो गया। यानी जहाँ पे जो है वो सपोज करिए कि 5 कुंतल माल आ रहा था तो अब क्या आने लगा, 2.5 कुंतल आने लगा। तो जब इसका जो मात्रा है वो घट जाएगी तो जो बेनिफिट्स है, जो वैल्यू है वो भी घट जाएगी। वैल्यू भी घट करके आधी हो गई। वैल्यू कितनी हो गई रिड्यूस? 102 करोड़ से घट करके कितनी आ गई? 50, आपकी बुक में दिया होगा 57 करोड़, आप उसको देख लीजिएगा। एंड दिस वाज द चांस फॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज टू बूस्ट अप, टू वेंट अप। ये जो मौका मिल गया इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने का, जो यहाँ के हैंडलूम्स थे, जो यहाँ की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रियाँ थी, उनको मौका मिल गया, क्योंकि लोगों ने विदेशी कपड़ों को पहनना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो अब इंडिया के मैन्युफैक्चर किए गए कपड़े पहने जा रहे थे, तो जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या मिल गया? मौका मिल गया बूस्ट होने का, आगे बढ़ने का। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड द हैंडलूम्स हैड वेंट अप, वो बढ़ गए। सो वी हैव सीन द रिजल्ट्स, इन ए रिजल्ट्स वी हैव रीड द ब्रिटिशर्स हैड टू बियर अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन टू द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। क्यों उठाना पड़ा? अब उसके रीजन कुछ दिए गए हैं। बिकॉज द पीपल्स हैड स्टॉप टू वियर द फॉरेन क्लॉदेज एंड दे हैड ऑल्सो बर्न टू द फॉरेन क्लॉदेज। द लिक्विड सॉस हैड बीन पिकेटेड, जो लिक्विड सॉस थी वो क्या कर दी गई थी? पिकेटेड कर ली गई थी, बंद कर दी गई थी। सो ड्यू टू दीज एक्टिविटीज द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स हैड रिड्यूस या हैड बिकेम हाफ फ्रॉम 1921 टू 1922 एंड द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट हैड बीन रिड्यूस फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। इन दिस कंडीशन द इंडियन इंडस्ट्रीज हैड गॉट द चांस टू वेंट अप। ऐसी कंडीशन में जो इंडियन इंडस्ट्रियाँ थी उनको मौका मिल गया क्या करने के लिए? बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड द हैंडलूम्स वेयर वेंट अप एंड दे हैड इंक्रीज वेरी रैपिडली, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि आगे इस जो ये काम चल रहा था क्या ये कंटिन्यू रह पाया या कुछ दिनों के बाद ये मोमेंट स्लो हो गया। सो फाइनली वी विल रीड हाउ द मोमेंट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स इन द टाउन्स। वी विल रीड हाउ द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट इन द टाउन्स हैड बिकेम स्लो। क्यों स्लो हो गया, क्यों डाउन हो गया, उसको हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जान लीजिए कि द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स इन द टाउन्स आफ्टर द सम टाइम हैड बीन स्लो डाउन बिकॉज द बिकॉज द इंडियन खादी क्लॉदेज वेयर वेरी कॉस्टली। जो भारत के खादी क्लॉदेज थे वो क्या थे? महंगे थे। एंड द एवरी पीपल्स कुड नॉट अफोर्ड टू द प्राइसेस ऑफ
दीज खादी क्लॉथेज, जो कॉमन पीपल था, जो आम लोग थे, वो इस खादी क्लॉथ के जो कीमत थी उसको उसको जो है बियर नहीं कर सकते थे, अर्थात उस कीमत पर वो सामानों को खरीद नहीं सकते थे। सो दे हैड बिगन टू मूव वंस अगेन फ्रॉम द क्लॉथेज विच वे आर मैन्युफैक्चरिंग इन टू द मिल्स एंड द इंडस्ट्रीज बिकॉज दे वे आर वेरी चीप, क्योंकि वो काफ़ी सस्ते पड़ते थे। सेकेंड रीजन, देयर वेयर नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया विच कैन टुक द प्लेस ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। ऐसे इंडिया में इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट का प्लेस ले सकते थे। सच एज देयर वेयर द लैक ऑफ द इंडियन स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स की कमी थी, द कोर्ट्स स्कूल्स एंड द अदर इंस्टीट्यूट्स सच एज द बैंक्स एंड द बैंक्स पोस्ट ऑफिस। सो द पीपल्स वेयर फोर्स टू रिटर्न एट दियर वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रीड द मोमेंट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन इन द टाउन्स एंड वी हैव डिस्कस टू द एवरी टॉपिक्स हाउ द मोमेंट्स हैड स्प्रेड इन द टाउन्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द मोमेंट एंड फाइनली वी हैव रीड हाउ द मोमेंट हैड स्लो डाउन इन टू द सिटीज। नाउ वी विल रीड हाउ द नॉन कॉपरेशन मोमेंट हैड स्प्रेड इन टू द कंट्री साइड। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड हाउ द नॉन कॉपरेशन मोमेंट हैड स्प्रेड इन टू द कंट्री साइड और बी में से इन टू द विलेजेज और रूरल एरियाज। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो नॉन कॉपरेशन मोमेंट था वो गाँव की ओर, देहात की ओर तेज़ी से फैला। यू कैन सी द टॉपिक रिबेलियन इन द कंट्री साइड। रिबेलियन मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स, विरोध, एक प्रकार से जो विरोध हो रहा था वो कंट्री साइड में, रिबेलियन जिसे एक प्रकार से हिंसक झड़प बोलते हैं, रिबेलियन को यानी लड़ाई झगड़े होना, तो देहातों में जो था वो लड़ाई झगड़े हो रहे थे। वी विल रीड टू दिस टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू कनेक्ट इट विद द नॉन कॉपरेशन मोमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द केयरफुल्ली टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। After the First World War, the peasants and the tribal groups who were exploited more than the other groups, they had to oppose the British rule and the regulations from place to place. जगह जगह पर उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। For example, in Awadh, Awadh एक प्रांत था जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसी को अवध बोलते हैं, आप जानते हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश वगैरह नाम नहीं रहा करता था, तो वो अवध जो था यहाँ पे, अवध में यानी ये प्लेस था अवध, जहाँ पे किसानों ने क्या कर दिया, इन अवध पीजेंट्स हैड स्टार्टेड द मोमेंट। इनके जो अवध पीजेंट्स के लीडर थे वो कौन थे, लीडर थे बाबा रामचंद्र। हुई बाबा रामचंद्र, तो बाबा रामचंद्र के बारे में लिखा जा सकता है कि असन्यासी, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, हु हैड बीन worked as indentured labor
इन फिजी. डियर स्टूडेंट्स, इन अवध द पीजेंट्स वेयर स्टार्टेड द मोमेंट अगेंस्ट द जमींदार एंड द तालुकदार्स. जमींदारों के खिलाफ और तालुकदार के खिलाफ जो है उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया. एंड दे वेयर लेड बाई बाबा रामचंद्र. बाबा रामचंद्र वाज अ सन्यासी एंड earlier, यानी पहले he had been worked as indentured labor in Fiji. Indentured labor means एक प्रकार से बंधुआ मजदूर. Indentured labor means the labor who had been forced to work for a long time with low payments or without payments. जिनको लंबे समय तक काम कराया जाता है, यानी वर्किंग आवर्स इनके काफ़ी लंबे होते हैं और इनको घर वगैरह जाने की अनुमति काफ़ी कम होती है, वो उसके रूप में काम कर चुके थे. कहाँ पे? फिजी में. अब ये फिजी कहाँ पड़ता है? आपने वेस्ट इंडीज वगैरह का नाम सुना होगा, तो जो आप जानते हैं कि कैरेबियन सी के पास जो भी है, तो वह कैरेबियन कंट्रीज जो हैं उसी में एक फिजी है. द ब्रिटिशर्स वेयर यूजिंग द लेबर्स टू प्रोड्यूस द इंडिगो. इंडिगो पैदा करने के लिए यहाँ पे लोगों को गुलाम बना बना करके लोग ले जाते थे और यहाँ पे वर्क करवाते थे. तो फिजी वही प्लेस है, वहाँ पे ये काम कर चुके थे और ये एक्सप्लॉइट हो चुके थे, तो ये इनको लीड कर रहे थे. तो जो इनका मोमेंट्स था वो किसके अगेंस्ट था, मैंने आपको बता दिया, अगेंस्ट तालुकदार एंड द जमींदार. व्हाट वेयर द रीजंस आप अपोजिंग द तालुकदार एंड द जमी तालुकदार एंड द जमींदार और लैंड लॉर्ड्स. हम कह सकते हैं कि जो तालुकदार और जमींदार के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, तो हम इसका उत्तर देने के लिए बताएंगे कि बिकॉज दे वेयर डिमांडिंग द हाई रिवेन्यूज. वो लोग क्या कर रहे थे? हाई रिवेन्यूज की डिमांड कर रहे थे, ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे. आपकी बुक में सब दिया हुआ है, आप केवल उसको अच्छे से समझिए कि कैसी स्टोरी चल रही है. मीन्स द अवध पीजेंट्स वेयर अपोजिंग टू द लैंड लॉर्ड्स एंड द तालुकदार्स बिकॉज दे वेयर डिमांडिंग द हाई रिवेन्यूज. उनसे क्या कर रहे थे? हाई रिवेन्यूज की मांग कर रहे थे. एंड द अदर सेसेस, सेसेस का मतलब होता है कि देयर वेयर द सम अदर डिमांड्स विच वेयर नॉट एक्सेप्टेबल by the peasants, such as they force them to work as बेगार. बेगार के रूप में उनको काम करने के लिए वो क्या कर रहे थे? फोर्स कर रहे थे. बेगार मतलब force someone to work without payment. गांव में लोग कहते हैं बेगारी करना, वही बेगार वर्ड है. कि जो लैंड लॉर्ड्स थे, दे वे आर फोर्सिंग द पीजेंट्स, दे वे आर फोर्सिंग द लेबर्स टू वर्क एट दियर फार्म्स, टू वर्क एट दियर फील्ड्स विदाउट पेमेंट, विदाउट वेजेज, बिना कोई पैसा दिए उनको काम करने के लिए वो क्या कर रहे थे? फोर्स कर रहे थे. अगला जो रीजन था, एज टेनेंट्स. टेनेंट्स वंस होता है पट्टेदार. टेनेंट्स वर्ड आपने सुना होगा, आगे भी पढ़ा है आपने, टेनेंट्स के रूप में. टेनेंट्स माने पट्टेदार. पट्टेदार का मतलब होता है कोई ज़मीन जिसको किराए के रूप में दी जाए, एक प्रकार से किराएदार. जानिए कि मैंने सपोज करिए कि आपको एक साल के लिए ज़मीन दी, दो साल के लिए दी, तीन साल के लिए दी, अब मैं कभी भी वो ज़मीन वापस ले सकता हूँ. तो पीजेंट्स क्या करते थे, उनके वो डबल माइंड होते थे, क्योंकि वो अपने खेतों को सुधार नहीं सकते थे, उसमें बहुत ज़्यादा वो मेहनत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो सब कुछ सही करेंगे तो उस पर तो उनका जो है एक परमानेंट राइट तो है नहीं, वो ज़मीन किसी और को दे दी जाएगी, तो जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन क्या होता था, कम होता था. तो डबल उनको लॉसेस सहना पड़ता था. कि अगर वो कुछ फिक्स पीरियड होता, जो टेन्योर का पीरियड, टेनेंट्स और टेन्योर, टेन्योर का मतलब एक प्रकार से अवधि, टेन्योर वर्ड यूज किया गया है कि एनसीईआरटी में, उसका मतलब है अवधि. तो एज ए टेनेंट्स द टाइम ऑफ द टेन्योर वे आर नॉट फिक्स्ड, दे वे आर नॉट
द परमानेंट राइट्स ऑन द लीज लैंड्स, जो ज़मीनें उनको किराए पे दी गई थी, लीज पे दी गई थी, उस पर उनका कोई परमानेंट राइट नहीं था, कुछ समय के लिए राइट नहीं था. सो द प्रोडक्शन ऑफ द पीजेंट्स वेयर वेरी लो बिकॉज दे वेयर नॉट वर्किंग विद दियर फूड पोटेंशियल्स एट दियर फोल्ड एट दियर फील्ड्स. वो लोग अपनी फील्ड्स पे फिर पोटेंशियल के साथ वर्क नहीं कर रहे थे. रीजन मैंने बताया कि अगर वो खूब काम करते, खेतों को अच्छा बनाते, जो मान लीजिए खेत कोई ऊंचा नीचा है जहाँ पे पानी वगैरह कम लगता है उसको सही करते, अच्छे से बनाते खेत को, खाद मिट्टी खूब डालते, खेत अच्छा हो जाता, भूमि उपजाऊ हो जाती, प्रोडक्शन हाई होता, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसी को किसी दूसरे को दे देते थे. फिर इनको कोई ऐसी लैंड्स दे दी गई जहाँ पे कुछ पैदा नहीं होता था, तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे. सो देयर वेयर द थ्री मेजर रीजन्स वाई द अवध पीजेंट्स वेयर अपोजिंग टू द तालुकदार एंड द लैंड लॉर्ड्स. फर्स्ट द तालुकदार एंड द लैंड लॉर्ड्स वेयर डिमांडिंग द हाई रिवेन्यूज. सेकेंड दे वेयर फोर्सिंग देम टू वर्क एज बेगार. थर्ड एज ए टेनेंट्स द टेन्योर ऑफ द लैंड्स वेयर नॉट फिक्स, मीन्स दे वेयर नो राइट्स या दे हैड नो राइट्स ऑन द लीज लैंड्स. सो अब बात आती है कि कैसे उन्होंने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया. दे स्टार्टेड द, तो डिमांड उनकी क्या थी, तो डिमांड अगर हम करेंगे तो डिमांड यही होगी, जो उनकी प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगी और वो लोग अपना आंदोलन रोक देंगे. तो फर्स्ट डिमांड क्या थी, स्टॉप द बेगार, बेगारी को बंद करना. सेकेंड द रिवेन्यू प्राइसेस ऑफ द रिवेन्यूज शुड बी रिड्यूस, जो रिवेन्यूज की टैक्स था यानी रिवेन्यूज पर प्राइसेस थी वो क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी. और एज ए टेनेंट्स द टेन्योर ऑफ द लैंड शुड बी फिक्स, फिक्स होना चाहिए था, एक निश्चित टाइम होना चाहिए था. दे हैड डिमांडेड फ्रॉम द पीपल्स दैट इफ द तालुकदार एंड द लैंड लॉर्ड्स विल नॉट एक्सेप्ट दियर डिमांड्स दे विल स्टार्ट द मोमेंट्स बाय द सोशल बाइकॉट. सोशल बाइकॉट मतलब सामाजिक बहिष्कार, वर्ड आपकी बुक में दिया होगा सोशल बाइकॉट. सोशल बाइकॉट मीन्स द पीपल्स हु हैव बाइकॉटेड फ्रॉम द जनरल सर्विसेज ऑफ द सोसाइटीज, जो जनरल सर्विसेज हैं, दे हैड स्टॉप टू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ द नाई एंड द धोबी, जिसे हम क्या कहते हैं, नाई धोबी बंद आंदोलन. नाई धोबी बंद मोमेंट्स मीन्स उनको जो है बार्बर की जो सुविधाएं दी जाती हैं वो नहीं दी जाएंगी, और जो उनको वाशरमैन की सुविधाएं मिलती थी वो नहीं दी जाएंगी. यानी वो मोमेंट कर रहे थे कि हम अब आपको कोई सुविधा नहीं देंगे. जवाहरलाल नेहरू, ये तो बातें हो गई पहले की, अब बातें अभी बता रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मोमेंट के पहले की बातें हैं, ये सब स्टोरीज चल रही थी, अभी उसको हम नॉन कोऑपरेशन से लिंक करेंगे. इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू हैड विजिटेड टू द अवध, उन्होंने अवध में विजिट किया. एंड दे वेयर बिगन टू डिस्कसिंग दियर प्रॉब्लम्स एंड दे वेयर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, वो उनकी प्रॉब्लम को सुनने लगे, उस पर डिस्कस करने लगे और उसका सोल्यूशन ढूंढने लगे. इन अक्टूबर 1920 अवध किसान महासभा, अवध किसान महासभा का गठन किया गया. इसको आप जानते रहेगा अवध किसान महासभा, विच वेयर लेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र. क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध किसान महासभा का गठन क्यों किया गया, तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द अवध पीजेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. प्रॉब्लम मैंने बता दिया क्या क्या थी आपको, अगर आप जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो लॉन्ग के तरीके से लिखेंगे, शॉर्ट पूछा जाता है तो शॉर्ट में देना है, वेरी शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट के तरीके से देना है.
who were leading the Awadh Kisan Mahasabha? Baba Ramchandra and the Jawaharlal Nehru. अब इसको क्या करें, जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लिंक कर दें तो हमारा मूवमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और बढ़ जाएगा. सो दे हैड ट्राई टू लिंक द मूवमेंट ऑफ द अवध पीजेंट्स विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स. द लोकल लीडर्स हैड टू डिस्कस विद द पीपल्स दैट द गांधी राज विल कम एंड दे विल गेट their own lands, they will get rid from the all types of the taxes. उनको हर सभी प्रकार के taxes से छुटकारा मिल जाएगा, वो खुद अपनी ज़मीनों के मालिक हो जाएंगे. And the Awadh peasants had started to attack on the landlords at the talukdar houses and the farms. उनके फार्म के और हाउसेस के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, बैंक वगैरह पे अटैक करना शुरू कर दिया, जो गोदामें थी अनाज की, जो स्टोरेज था उसको उन्होंने लूट लिया, अपने कब्जे में कर लिया. सच टाइप ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द पीजेंट्स वे आर नॉट एक्सेप्टेबल बाई द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सच एज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के द्वारा जो ऐसी एक्टिविटीज थी वो सहन नहीं की जा सकती थी. बट At that moment, this had affected very badly to the Britishers. इसने ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया. So these are the moments led by the Baba Ramchandra and the movement was of the peasants and the tribal groups. तो peasants का हमने पढ़ लिया, tribal groups का और स्वराज इन प्लांटेशन, ये दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इन एग्जाम योर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स ओनली, नॉट द अपकमिंग टॉपिक्स. यानी आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं वहीं से आएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके आगे से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. Thank you so much for watching the video.